आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। २०२१ में किसानों को सरसों के काफ़ी अच्छे भाव मिले थे, जिससे अधिकतर किसानों ने रबी में सरसों की बुआई की। जो किसान पहले से ही सरसों की बुआई करते थे उन्होंने ज़्यादा रकबे में की, और कुछ किसानों ने तो बाकी फसलों की बुआई छोड़कर सरसों की बुआई की। किसानों द्वारा ज़्यादा सरसों की बुआई करने से इस बार सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा है, जिससे उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में व्यापारी और किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सरसों की ज़्यादा आपको से कीमतें MSP से ऊपर बनी रहेगी या नीचे आएगी। अब इसके जवाब के लिए सरसों की मार्केट को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वर्तमान में सरसों की नई आवकों की ज़्यादा मात्रा रहने की उम्मीद से बड़े तेल मिलों ने सरसों के खरीदी भाव में कटौती करना शुरू कर दिया है, जिससे हाजिर बाजार में सरसों में मंदी की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि राजस्थान, जो कि पूरे भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सरसों के दामों में लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की कटौती की गई है। वहीं आगे राजस्थान में मौसम विभाग ने मौसम थोड़ा खुलने की संभावना जताई है, जिससे मंडियों में सरसों की आवकें कुछ बढ़ सकती हैं और इसका असर कीमत पर और पड़ सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान अकेला पूरे भारत की लगभग 40% सरसों का उत्पादन करता है। पूरे भारत में इस बार सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा है। इस बार रबी सीजन में सरसों की बुआई 91.63 लाख हेक्टेयर में हुई थी, वहीं पिछले साल की समान अवधि में 73.12 लाख हेक्टेयर में हुई थी। रकबा बढ़ा है तो उत्पादन भी जरूर बढ़ेगा। सर्दियों में बेमौसम बरसात भी हुई है, जिससे सरसों की फसल को नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी तक बारिश से सरसों की फसल को बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि अगर मौसम आगे ठीक रहता है तो आपके थोड़ा पहले भी आ सकती है, जिसका असर कीमतों पर ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल नई सरसों की आव के लगभग 15,000 बोरियों की देखने को मिल रही है, जो कि फरवरी के अंत तक 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए सरसों की MSP पहले ही बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी है। पहले सरसों की MSP 4,650 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसमें सरकार ने 400 रुपये की बढ़ोतरी की 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। सरसों की आवकों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगभग 2 महीनों तक रह सकता है और इन्हीं 2 महीनों में सरसों में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। जानकारों के अनुसार अभी फिलहाल तो सरसों MSP के ऊपर बनी रहेगी जब तक ज़्यादा आवकें नहीं आती हैं, लेकिन एक बार आवकों का प्रेशर बनते ही कीमतें लुढ़केगी ज़रूर। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।